सचिन तेंडुलकर आज रणजी मॅचमध्ये बॅटिंगसाठी मैदानात उतरू शकतो. हरियाणाविरुद्धच्या मॅचमध्ये तिसऱ्या दिवशी मुंबईला दुसऱ्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करावी लागते. हरियाणाचे पहिल्या इनिंगमध्ये 9 विकेटवर 224 रन्स झालेत. पहिल्या इनिंगमध्ये सचिन केवळ 5 रन्स बनवून आउट झाला होता, मात्र आता दुसऱ्या इनिंगमध्ये तो मोठा स्कोर उभारण्यासाठी तयारीत आहे. त्यासाठी नेटमध्ये सचिननं जोरदार प्रॅक्टिसही केली. आपल्या करिअरच्या शेवटच्या टप्प्यावर असलेला मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आजही उत्कृष्ट खेळाडू असल्याचं मत राहुल द्रविडनं व्यक्त केलं आहे. सचिनची कुठली इनिंग उत्कृष्ट हे सांगणं कठीण असल्याचं मत राहुलनं एका प्रश्नादरम्यान व्यक्त केलं आहे. कि जब विदाई का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, आपसे जानना चाहूंगा, बहुत वक्त आपने बिताया है ड्रेसिंग रूम में उनके साथ, एक पारी जो आपको यादगार है अपनी, जो आपने उनके साथ खेली हुई हो, जिसको आप कहते हैं कि यहां से नए जो जनरेशन है क्रिकेट की उसको सीखने की जरूरत है. देखिए, जब एक आदमी 100 सेंचुरीज बनाता है, अब एक पारी को पिक करना बहुत मुश्किल होता है. बहुत लोगों ने मेरे को ये पूछा है सवाल, मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि इतनी क्रिकेट देखी है सचिन की और इतनी ग्रेट इनिंग्स देखी है कि एक इनिंग्स मैं चूज कर ही नहीं पाता. मैं ये मतलब इस वक्त जब वो रिटायर होने वाले हैं तो एक उनके जो रिकॉर्ड है, उनके जो अचीवमेंट्स है, वो देख के मतलब एक बड़ी गर्व की बात महसूस करते हैं कि वो मैं उनके साथ खेल पाया, उनके साथ इतने वक्त हम लोगों ने बिताया मिडिल में ड्रेसिंग रूम में. एक ऑब्वियसली एक लेजेंड क्रिकेटर, एक ग्रेट क्रिकेटर, बहुत याद करेंगे लोग, तो एक उनके जो एक करियर का एक हिस्सा बनने में एक बड़ी गर्व या खुशी की बात होती है. जाते थे आखिरी सवाल, ऑन द फील्ड आपने बात करी है, ऑफ द फील्ड सचिन की ऐसी क्या खासियत है जो शायद उनको दूसरे अपनी लीग के दूसरे प्लेयर्स हैं उनसे अलग बनाती है? और आप करूंगा तो मैं दोनों कलकत्ता में और यहाँ पे भी रहूंगा. पर देखिए, ऑफ द फील्ड जो ग्रेट प्लेयर है, एक महान प्लेयर है, उनकी इतनी प्रेशर्स रहे होंगे, पर उन्होंने कभी ये दिन नहीं दिखाया कि वो उस प्रेशर से वो कभी उनका बोझ हुआ या इनके जो एक्सपेक्टेशंस थे लोगों के, वो कभी उनके लिए एक बोझ था. वो एक उनकी ग्रेट अचीवमेंट है. जी 24 तास एक पाउल पुढ़े.